आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। इसे मैं दो तीन तरीके से बनाऊंगी और इसमें मैंने ना पहले तरीके से बनाया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चे आलू ले लिए हैं, 5 से 6 आलू लेना है और इसे ना छील लेना है। आपके पास जो छिलनी कहते हैं वो हो, या फिर छीलने वाला हो पीलर, तो आप किसी से भी इसे छील सकते हैं। छील करके इसे रख लेना है और कट करने का तरीका वो मैं आपको आगे बताऊंगी छीलने के बाद आलू को। स्पेशल सीरीज आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो इस तरीके से छील करके इसे एक बर्तन में रख लेना है। इसी तरह सारे आलू छील करके रख लें। अब इसे कट करना है इस तरीके से, दो पार्ट में पहले कट करें और फिर पतला पतला 3 से 4 पार्ट करें और फिर इसे छोटे छोटे काट दें। इसमें जो ये गंदा होता है ना, इसे आप निकाल दें इस तरीके से नाइफ से। अगर आपको पतले पतले आलू कट करने हो तो आप इस तरीके से काटें, वो बहुत ही जल्दी कट जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। बस इसे हटाने के बाद इसे काट लेना है पतला पतला इस तरीके से। आप आलू के दो पार्ट किए बिना भी आलू को काट सकते हैं। पहले इस तरीके से काटें, नीचे कट नहीं करना है, बस हल्का सा बचा देना है। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप आलू को कट कर सकते हैं। आलू को मैं हमेशा काटने के बाद ही धुलती हूँ, तो इसे 1 से 2 बार पानी से धुल लें अच्छे से। अब एक कढ़ाई को रखेंगे गैस पर। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। मूंगफली के तेल का यूज कर रही हूँ मैं। तेल गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दें, साथ में ही आलू डाल दें। अब इसे हमें ना आलू को फ्राई करना है, जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। आलू को क्रिस्प करने के लिए गैस का फ्लेम हाई रखें और इसे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से चलाएं और फिर आलू को कढ़ाई में फैला करके हाई फ्लेम पे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जिससे आलू जो है ना जब कढ़ाई में चिपकने लगता है तो वो एक तरफ से रेड रेड हो जाता है, वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से फैला करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आलू इससे ना क्रिस्प हो जाता है और वो खाने में टेस्टी भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से आलू को क्रिस्प कर लें। अब आलूओं को किनारे करके बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे इस तरीके से सेंटर में, क्योंकि इसमें हमें टमाटर ऐड करना है। अगर आप आलू में टमाटर डाल देंगे तो जो टमाटर है वो मैश नहीं होगा, तो इस तरीके से बीच में सेंटर में जगह बना करके टमाटर को डाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देना है। इस टाइम सेंधा नमक खाया जाता है तो सेंधा नमक का ही यूज करें। इस तरीके से सेंधा नमक को छिड़क दें, इसे हल्का हल्का मिला दें। नमक ऐड करने से जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए नमक ऐड करते हैं। इसे मिलाने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे जो टमाटर है वो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाए, कवर करने से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद, और गैस का फ्लेम लो कर देना है तब छोड़ना, नहीं तो आलू जल जाएगा। टमाटर को मैश करके आलू और टमाटर को मिलाना है, लेकिन उसके पहले इसमें ऐड करेंगे हम मूंगफली। थोड़ी सी मूंगफली ले लें 1 मुट्ठी भर, उसे धुल लें पानी से अच्छे से, अगर खराब दाने हो तो उसे हटा दें, और उसके बाद मूंगफली को धुल करके इसमें हम ऐड करेंगे। अब इन सारी चीजों को मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ है ये। साथ में ही ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ जीरा है। इसे मैंने घर में धुल करके
ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड किया है और भून लिया है, भूनने के बाद ग्राइंड किया है। अब इन सारी चीजों को मिला देना है अच्छे से और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे लो फ्लेम पे करके, जिससे आलू अगर नहीं पके हैं तो वो पक जाए। और उसके बाद बस ये आलू की सब्जी बन करके तैयार है। ये नवरात्रि वाली व्रत की सब्जी बनकर के तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसे भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो प्याज है ना तो लहसुन है, और नवरात्रि में तो वैसे भी ये सब खाया नहीं जाता है। तो आप इसे भगवान को भोग लगा सकते हैं और उसके बाद इसे खा लीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।